Hi everyone, today I'm going to share some idioms with you. By the use of these idioms, you can definitely enhance your band score in the speaking module. And the first idiom is a blessing in disguise, which means a good outcome from an evil situation. And the sentence for this idiom is positive people try to see problems as blessing in disguise. जो positive लोग होते हैं वो मुसीबत वाले time में भी problems को as a blessing की तरह ही लेते हैं. So the second idiom is a piece of cake. Really easy, काफ़ी ज़्यादा easy. So the sentence is learning a new language is not a piece of cake. एक नई language को सीखना ज़्यादा इजी नहीं है, लाइक रियली डिफिकल्ट है. सो द थर्ड idiom इज एड इंसल्ट टू इंजरी, विच मीन्स टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स बैड सिचुएशन वर्स, मीन्स इस तरीके से काम करना जो कि बैड सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा बना दे. एंड द सेंटेंस इज माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द वे टू शिमला. मेरी कार जो है जब मैं रास्ते में जा रहा था शिमला के लिए तो तभी ही खराब हो गई. टू एड इंसल्ट टू इंजरी इट स्टार्टेड टू रेन, और उस सिचुएशन को और वर्स किस चीज़ ने बना दिया कि वहां पर उसी टाइम रेन होना स्टार्ट हो गई. एंड द फोर्थ idiom इज एज चिप्स, रियली चीप, काफी ज्यादा सस्ता. एंड द सेंटेंस इज गोइंग ऑन वेकेशन टू ओवरसीज इज नॉट एज चिप्स, और वेकेशन पर जाना ओवरसीज में काफ़ी ज़्यादा सस्ता नहीं है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड द फिफ्थ idiom इज एज फिट एज फिडल, विच मीन्स इन अ गुड फिजिकल कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिकल कंडीशन में होना. माई ग्रैंड फादर इज इन इज 90s बट ही इज़ एज फिट एज फिडल. वो अपने 90s में है, उनकी एज 90 है, मगर अब भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिकल कंडीशन में है, मेरे ग्रैंड फादर. एंड द सिक्स्थ idiom इज एन आर्म एंड अ लेग, विच मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली. एंड द सेंटेंस इज आई वुड लाइक टू बाई अ लैपटॉप फॉर माई फ्रेंड बट आई नो इट वुड कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. मैं एक लैपटॉप लेना पसंद करूँगा अपने फ्रेंड के लिए, मगर मुझे पता है कि इसकी मुझको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी. एंड द सेवंथ idiom इज अ स्टोन्स थ्रो अवे, विच मीन्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, काफ़ी कम डिस्टेंस. एंड द सेंटेंस इज माई हाउस इज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स हाउस, फ्रॉम माई फ्रेंड नहीं, फ्रॉम माई फ्रेंड्स हाउस. मेरा घर जो है वो मेरे फ्रेंड्स के हाउस से ज़्यादा दूरी पर नहीं, कम ही दूरी पर है. एंड द एट्थ idiom इज एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स दैन इट इज़. जो पहले ही बुरी सिचुएशन था उसको और ज़्यादा बैड बना देना. एंड द सेंटेंस इज पीपल आर ऑलरेडी अनहैप्पी एंड इफ गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस ऑन दैम दैन इट विल डेफिनेटली एड फ्यूल टू फायर. पीपल तो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अगर गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगा देगी तो ये चीज उस बैड सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना देगी. एंड द नाइन्थ idiom इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, विच मीन्स मल्टी टैलेंटेड पर्सन. एंड द सेंटेंस फॉर दिस idiom इज ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही कैन डू कारपेंटरिंग, डेकोरेटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग सो ऑन. वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और वो कारपेंटरिंग भी कर सकता है, डेकोरेशन भी कर सकता है और सिंगिंग भी कर सकता है और डांस भी. एंड द टेंथ वन इज़ अ रेड लेटर डे, विच मीन्स अ वेरी हैप्पी एंड इम्पॉर्टेंट डे, जो दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला और हो और इम्पॉर्टेंट हो. एंड द सेंटेंस इज सेप्टेम्बर 17th वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी बिकॉज ऑन दैट डे आई वॉन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन. जो सेप्टेम्बर 17th है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला और इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि उस दिन मैंने पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीता था. एंड द 11th वन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, विच मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद. एक चीज़ और एक पर्सन जिसके साथ काफ़ी मुश्किल हो डील करना, उसके लिए हम idiom यूज़ करते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक. एंड द सेंटेंस फॉर दिस idiom इज़ आई कैनॉट फाइंड अ रीजनेबल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, इट्स रियली हार्ड नट टू क्रैक. मैं इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी अच्छा सा सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया क्योंकि इसको डील करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. And the last one idiom is at the crack of dawn, which means very early in the morning, काफ़ी जल्दी morning में. And the sentence is I go to walk at the crack of dawn, मैं early morning में walk के लिए जाता हूँ. So these are the idioms which will definitely help you to impress the examiner. And for more such kind of videos, please like, share and subscribe my channel.